हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद ब्यूटी में। इस वीडियो में हम महासागरों की सीरीज के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के विषय में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अटलांटिक महासागर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। यह महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि अटलांटिक महासागर का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई प्यूर्टो रिको ट्रेंच लगभग 8376 मीटर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 10,64,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई लगभग 3,646 मीटर है। अटलांटिक महासागर की अधिकतम गहराई 8,376 मीटर है। अटलांटिक महासागर का नाम ग्रीन पौराणिक कथाओं में प्रचलित अटलांटिक थलालसा से लिया गया है, जिसका अर्थ एटलस का सागर या नक्शों का सागर है। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस से मिलती है। अटलांटिक महासागर अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक महासागर, अमेरिका और दक्षिणी महासागर के बीच स्थित है। पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी स्थानों में प्रचलित बरमुंडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में है। यह ट्रायंगल बरमुंडा द्वीप, फ्लोरिडा तथा प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी भी इसी महासागर में स्थित है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जब उसे बनाया गया था, और कहा जाता है कि वह अकल्पनीय था, 1912 में अटलांटिक महासागर में डूब गया जब वह अमेरिका की अपनी पहली यात्रा पर एक हिमखंड से टकरा गया था। यह महासागर जहाज और हवाई जहाज के द्वारा पार किया जाने वाला पहला महासागर था। प्यूर्टो रिको ट्रेंच इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। यह करीब 8,500 मीटर गहरा है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। दक्षिण अटलांटिक में दक्षिणी ध्रुव की ओर से ठंडे जल का एक प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, जो दक्षिणी ध्रुवीय प्रभाव या अंटार्कटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। इसी तरह ठंडे जल की एक धारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी किनारे से होकर उत्तर की ओर चलती है, जिसे फॉकलैंड जल धारा कहते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम तट से वाणिज्य पवन के कारण एक धारा विषुवत रेखा की ओर चलती है, जो बेंगुएला जल धारा कहलाती है। यह ठंडी जल धारा है और उत्तर की ओर बढ़कर दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा को पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए उतना विस्तृत क्षेत्र नहीं मिलता जितना प्रशांत महासागर में इस नाम की जलधारा को मिलता है। यह धारा आगे बढ़ने पर ब्राजील के सेंट रॉक अंतरीप यानी सेंट रॉक फोरलैंड से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक दक्षिण की ओर ब्राजील के किनारे जाती है और ब्राजील जलधारा कहलाती है। दूसरी उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट से कैरिबियन समुद्र यानी कैरिबियन सी में चली जाती है, जहां उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा से मिलकर मेक्सिको की खाड़ी में पहुंच जाती है। मेक्सिको गल्फ से फ्लोरिडा होकर यह गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। यह भी गर्म जल धारा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारों से होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में चली जाती है। यह धारा आगे बढ़ने पर शीघ्र चौड़ी हो जाती है और 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के पास कई दिशाओं में मुड़ जाती है, अतः इसका नाम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट पड़ जाता है। उत्तर वाली शाखा आइसलैंड की ओर, उत्तर पूर्व वाली शाखा ब्रिटिश द्वीप पुंज के उत्तर और नॉर्वे के पश्चिम से होकर स्पिट्सबर्गन की तरफ, और पूर्वी वाली शाखा स्पेन पुर्तगाल की ओर चली जाती है।
उत्तरी अटलांटिक प्रभाव गर्म रहता है। स्पेन पुर्तगाल के पास पहुंचने पर यह धारा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और कैनरी द्वीप और उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी तट से होते हुए उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। अफ्रीका के तट पर यह कैनरी जलधारा कहलाती है। यह एक ठंडी जलधारा है क्योंकि यह ठंडे प्रदेश से आती है। उत्तरी अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक के उत्तरी भाग में ध्रुवीय क्षेत्र से दो ठंडी धाराएं आती है, एक बेफिन की खाड़ी से होती हुई लैब्राडोर और न्यू फॉकलैंड के पूर्वी तटों की तरफ और दूसरी ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से होती हुई दक्षिण की ओर। इन्हें लैब्राडोर जलधारा और ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं। अटलांटिक महासागर बहुत सारे रहस्य से भरा हुआ है। नेविगेटर और वैज्ञानिक सदियों से इसकी खोज कर रहे हैं लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अटलांटिक महासागर के विषय में कुछ रोचक जानकारी दी है, होप्स हो कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी हम इस महासागर सीरीज़ की और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर विद ब्यूटी।